Hello and welcome to the JK Exam Cracker. We are continuing with the MCQ series session for general studies for the all upcoming exams. Okay, so this is practice set 2. Okay, we are starting with our first question, that is, which institution is developing the organ donation registry in India? ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री जिन्होंने शुरू की है? ठीक है, सो हम देखेंगे, इज इट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. सो द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज NHA. NHA क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ NHA. ठीक है, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री जिन्होंने क्या की है, शुरू की है, डेवलप कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोई भी विलिंग है, ठीक है, अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए आफ्टर डेथ, तो वो इस साइट पे जाके अप्लाई कर सकता है. एक ऑर्गन डोनेशन कार्ड जो है वो उनका बन जाएगा, जिसके बाद डेथ के बाद उनका जो ऑर्गन है वो डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए ये NHA जो रिस्पॉन्सिबल है, हमने ये देख लिया. अब ये ऑप्शंस हैं तो इनको भी देख लेते हैं. NMC क्या है आपका? नेशनल मेडिकल कमीशन. ठीक है, ये भी फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ. एम्स क्या है आपका? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आप सबको पता ही होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. ठीक है, तो उसके बाद IMA क्या है? IMA इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड एट ऑल. IMA इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी. ठीक है, ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian state is adopting an early warning system to reduce student dropout? ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया है, जो स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट कहाँ से? स्कूल से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बच्चों का जो ड्रॉप आउट नंबर इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने के लिए ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को अडॉप्ट किया. तो कौन सी स्टेट ने किया? इज इट गोवा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? सो द आंसर इज बी, दैट इज उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, कैसे 40 डेज तक अगर कोई स्टूडेंट जो है वो स्कूल से कंटिन्यूसली एब्सेंट है, ठीक है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा किन किन कंडीशंस और सिचुएशंस की वजह से उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा, उसको वो फैसिलिटेट कराया जाएगा, ताकि अगर जेन्युइन रीजंस हैं तो उसका जो ड्रॉप आउट नंबर है, अगर गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करके वो ठीक कर सकती है, तो वो क्या करेगी, उसको प्रॉपर मॉनिटर करने के बाद वो फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करेगी, ताकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना करे. ठीक है, so it is the initiative to decrease the number of dropout students. So moving on to the next question, AstroSat is a space telescope launched by which country? ठीक है, AstroSat basically एक space telescope है, ये हमें बताना है किस जो है कंट्री ने लॉन्च किया है. ठीक है, तो ये लॉन्च किया है आपका इंडिया ने. किसने किया है? इंडिया. देखो, AstroSat is basically dedicated India's first, ठीक है, India's first space satellite, ठीक है, जिसको अभी recently इंडिया ने launch किया है. ठीक है, okay. Moving on to the next question. What was the theme of the World AIDS Day 2023? हमें देखना है कि World AIDS Day, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि World AIDS Day celebrate कब किया जाता है. तो World AIDS Day आपका 1st of December को celebrate किया जाता है. It is, ठीक है, सो 2023 जो वर्ल्ड एड्स डे हुआ 1st of December को, इसमें जो थी वो थीम क्या थी वो हमें बतानी है. इज इट ए ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हारमोनी इन हीलिंग, या सी लेट कम्युनिटीज लीड, या फिर डी कम्युनिटी फॉर हीलिंग? सो द आंसर इज सी, दैट इज लेट कम्युनिटीज लीड. ठीक है, तो ये आपकी थीम थी, और हमारा इस बार इस थीम में ये ओथ आप कह सकते हो लिया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है कि 2030 में हमें जो है इंडिया को एड्स फ्री बनाना है. ठीक है, इंडिया को एड्स फ्री बनाना है. ठीक है, एड्स के बारे में आपको पता ही होगा, बेसिकली इट इज़ एन वायरल डिजीज़. वायरल डिजीज़ मतलब ये वायरस से होती है.
ठीक है, कौन से वायरस से होती है ये भी देख लेते हैं, HIV। ठीक है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, HIV को ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इज द नेम ऑफ द वायरस दैट कॉज द डिजीज एड्स। ठीक है, तो एड्स के फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये डिजीज़ बेसिकली किसको अटैक करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को टोटली डैमेज करती है, और विद टाइम क्या होता है, हेल्थ जो है हमारी बहुत ज़्यादा पोर होती है। ठीक है, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होने लगते हैं। ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली जो है इफ़ेक्ट करता है विद दिस वायरस जिसका नाम है HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच इंडियन सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023। हमें बताना है इनमें से कौन सी इंडियन सिटी थी जो इस बार 2023 का जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल से हम यही समझ सकते कि खाली इसमें इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी बाहर के भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो कौन सी ऐसी इंडियन सिटी थी, इज़ इट पुणे, जैसलमेर, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? सो द आंसर इज़ डी, दैट इज़ अहमदाबाद। यहाँ पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसको नाम दिया गया उत्तरायण, और इसकी थीम जो है वो G20 इस बार इंडिया में होना था इसलिए उसी की थीम पे रखा गया, वो क्या था, वन अर्थ वन नेशन। ठीक है, ठीक है, और ये फेस्टिवल होता कब है, ये फेस्टिवल होता है और ये वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, ये भी देख लो कि एक दिन नहीं होता, एक पूरा हफ्ता चलता है ये, और कब चलता है ये, January 8 से लेके January 14 तक। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इस फेस्टिवल के बारे में सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी हमें जानना। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, कहाँ पे हुआ, सॉरी 2023 में, अहमदाबाद में। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd रंग भारत महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? ठीक है, 22nd रंग भारत महोत्सव, रंग भारत महोत्सव से ही आप समझते हो कि बेसिकली इट इज़ अ ड्रामा। ठीक है, ड्रामा रिप्रेजेंटेशन, ड्रामा मीन्स ये कराता कौन है ये भी देख लेते हैं, ड्रामा रिप्रेजेंटेशन, ड्रामा रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, कल्चर्स का, कल्चर्स ऑफ डिफरेंट है ना रिलीजन्स। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स और कम्युनिटीज़ भी कह सकते हैं हम, अलग अलग रिलीजन्स की, अलग अलग कम्युनिटीज़ की है ना, अलग अलग ट्राइब्स की। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन कराता है, ये नेशनल थिएटर एकेडमी सबसे पहले ये नेशनल लेवल पे ये डील करती है, या फिर इसके साथ ही नेशनल ड्रामा एकेडमी जो बेसिकली कहाँ पे है, दिल्ली में, वो हेल्ड कराती है हर साल। ठीक है, ड्रामा एकेडमी विच इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये इसको ऑर्गेनाइज कराती है बेसिकली, ड्रामा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कम्युनिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने बताना है जो अभी 22nd रंग भारत महोत्सव हुआ है ये कौन सी सिटी में हुआ है, सो द आंसर इज बी, दैट इज न्यू दिल्ली। और ये शुरू कब हुआ था होना, इन द ईयर ऑफ 1999। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगिन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी? ठीक है, हमने बताना है कि डांडी मार्च, अच्छा डांडी मार्च के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो डांडी मार्च जो था महात्मा गांधी का, हमने सब ने नाम सुना है, ये सबसे पहले इन द ईयर ऑफ 1930 में हुआ था। ठीक है, डांडी नाम क्यों पड़ा, डांडी बेसिकली एक विलेज है, ठीक है, गुजरात में, समुद्र के किनारे, इट इज़ अ बेसिकली कोस्टल विलेज। ठीक है, समुद्र के बिल्कुल साथ लगता है ये विलेज डांडी। और साबरमती का नाम भी आपने सुना है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, साबरमती में एक आश्रम था जहाँ महात्मा गांधी रहते थे। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने डांडी मार्च शुरू किया था, मतलब साबरमती से लेकर डांडी तक वो पैदल मार्च किया था उन्होंने। ठीक है, क्यों किया था, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, क्यों किया था, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, सॉल्ट पे हमें ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया था, तो उनके अगेंस्ट उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने ये डांडी मार्च किया था इन द ईयर 1930। ओके, अब हमने बताना है कि इसी डांडी मार्च के साथ कौन सा नेशनल मूवमेंट भी जो है वो शुरू हुआ था। सो
The answer is C, that is civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब हम अगेंस्ट द हमने सॉर्ट लॉ जो है वो ब्रेक किया था, ठीक है, सॉर्ट लॉ जो है हमने ब्रेक किया था, तोड़ा था, हम जो है लॉ के अगेंस्ट गए थे, वॉयलेट किया था, दैट इज़ वाई इट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ऐसे करके रिलेट करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है, ओके. आगे देखते हैं, द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज बाय दादाबाई नरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कहाँ पे और एट कौन से ईयर में और कहाँ पे हुआ था, ये हमें बताना है कि दादाबाई नारोजी ने पहली बार जो है वर्ड स्वराज जो है वो यूज़ हुआ था कांग्रेस सेशन में, वो कौन सा था. इज़ इट 1904 बॉम्बे, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत या फिर 1916 लखनऊ. सो द करेक्ट आंसर इज 1906 कलकत्ता. इसमें क्या हुआ था कि स्वराज इज द अल्टीमेट गोल ऑफ, स्वराज इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया का अब अल्टीमेट गोल क्या है, स्वराज है, ये डिक्लेयर कर दिया था पहली बार स्वराज वर्ड. स्वराज मीन्स मतलब क्या होता है स्वराज का, सेल्फ गवर्नमेंट. मतलब इनको अब ये लग गया था हमें अब कोई रूल नहीं करेगा, अब हम हमारी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए. ये पहली बार ये वर्ड जो है कांग्रेस सेशन 1906 में कलकत्ता में जो हुआ था, दादाबाई नौरोजी जिसको प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है, प्रेजिडेंट ऑफ दैट सेशन, तो उसमें ये चीज़ बोली गई थी. ठीक है, थोड़ा सा सेशंस को भी देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है बताने वाली, इसलिए कुछ रेलिवेंस नहीं है इसका. तो 1907 सूरत का इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है इसको जो हुआ था. स्प्लिट मतलब कुछ टूटा था, क्या टूटा था, INC की एक्चुअली दो जो है वो साइड डेवलप हुए थे यहाँ पे. पहले INC एक कंपाइल पार्टी थी, ठीक है, फिर INC से ही दो निकले, क्या, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेट्स वर कौन थे वो, मॉडरेट्स वर दोस्त जो क्या करते थे, ब्रिटिशर गवर्नमेंट को फेवर करते थे, इन द सेंस कि ठीक है हमारी डिमांड्स फुलफिल करो और रूल आप ही करो. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वर लाइक कि नहीं, रूल भी हम करेंगे, रूल्स भी हमारे होने चाहिए, हम आपको फॉलो या फिर आपकी किसी भी एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है. सो देवर ईगर, देवर हैविंग एग्रेशन, ठीक है, देवर और मॉडरेट्स जो थे देवर पीसफुल पीपल और एक्सट्रीमिस्ट वर एग्रेसिव पीपल, ठीक है. तो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं. एंड ये कब हुआ था, 1907, और क्यों हुआ था, ये बेसिकली हुआ था 1906 के बाद, 5-6 के बाद, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ये आप सबको पता है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, उसकी वजह से कुछ लीडर्स में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया था. तो अल्टीमेटली इन द 1907 सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था कि मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, क्योंकि उनके व्यू पॉइंट्स टोटली अलग हो गए थे, ठीक है. और 1916 इसका भी कुछ रेलिवेंस है, ठीक है, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये मैंने आपको पिछले सेट में भी बताया था कि लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ सेशन में हुआ था वो हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, ठीक है. बेसिकली ही इज़ फ्रॉम INC साइड और ही इज़ फ्रॉम मुस्लिम लीग साइड, ठीक है, दो पार्टीज थी, इन दोनों ने, इनके रिप्रेजेंटेटिव थे ये INC से थे, ये मुस्लिम लीग की तरफ से, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ इनकी जो है वो एक दूसरे की मानकर दोनों की यूनिटी यहाँ पे फिर से कंटिन्यू हुई थी. सो दिस इज़ लखनऊ पैक्ट, जिसको मैंने आपको बताया था सरोजिनी नायडू को, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट भी बोला था, ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्टेटमेंट इज दैट इफ एनी गवर्नमेंट डायरेक्टर इग्नोर्स द एलिमेंट्स देन इट विल श्योरली हैव टू बी लाइबल टू द पब्लिक फॉर दिस. अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने बोली थी कि अगर किसी भी कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्टर इग्नोर करेगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब जो उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, मतलब जिससे वो पूरा जो है सिस्टम बना है, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी व्यू पॉइंट्स को उनको इग्नोर किया जाएगा तो डायरेक्टर जो है वो लायबल होगा किसका, पब्लिक फॉर दिस. उनको लायबल मतलब अकाउंटेबल, ठीक है, आंसरेबल. ये स्टेटमेंट किसकी थी, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है. सो ये स्टेटमेंट नेहरू की थी या महात्मा गांधी की थी या B.R. अंबेडकर की थी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी. सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज डॉक्टर B.R. अंबेडकर. तो B.R. अंबेडकर ने ये स्टेटमेंट बोली थी, ये तो आपको पता चल ही गया. अब आपको ये देखना, इनकी एक और फेमस कोट है, काफ़ी फेमस है, तो मैं बता देती हूँ, आप सबने सुनी भी होगी,
life should be? Life should be great rather than long. ठीक है, life should be great, मतलब life great होनी चाहिए, लंबी हो या ना हो. ठीक है, so we should achieve something great in our lives. ठीक है, तो ये भी एक बहुत famous quote है, तो आपने ये याद रखना है. ये भी किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स. हमें ये तीन रिवर्स के नाम दिए गए हैं. ठीक है, तीन रिवर्स के नाम क्या क्या दिए गए हैं? बराक, लोहित, सुबानसरी. ठीक है, हमने बताना है इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है या रिवर्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं या उससे होके निकलती हैं. ठीक है, तो बराक रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. बराक रिवर जो है आपका कहाँ पर है हमें पता होना चाहिए. बराक रिवर इज इन मणिपुर. ठीक है, बराक रिवर कहाँ पे है? मणिपुर में. सो इट डज़ नॉट फ्लो इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, लोहित, अच्छा मैंने आपको लास्ट सेट में बताया था कि ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं. तो तिब्बत में इसका क्या नाम है? यारलुंग ज़ांगबे, आपने तब देखा ही होगा. ठीक है, यारलुंग ज़ांगबे ये कहाँ पे है? ये है तिब्बत में. ठीक है, उसके बाद लोहित जो है, हम लोहित के कहाँ पे बोलते हैं? लोहित हम बोलते हैं असम में. असम में इसको लोहित भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग. और जमुना हम कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में. ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल में भी कुछ लोग बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमें पता चल गया. सो लोहित हमें पता है कि क्या है. लोहित आपका ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है और ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है. ठीक है, आपको पता है अच्छे से, हमने पूरा पाथवे देखा था ब्रह्मपुत्र का. सुबानसी क्या है? सुबानसी इज ऑल्सो द, अब इसकी खास बात ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. तो मतलब ये भी अरुणाचल प्रदेश से बहती है. तो इसका मतलब वन इज नॉट इन द आंसर, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द आंसर. तो कौन कौन इंक्लूड होगा? लोहित एंड सुबानश्री, मतलब ओनली टू एंड थ्री, मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये सिंपल है. पिन वैली नेशनल पार्क हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेट में है. तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है आपके हिमाचल प्रदेश में है. पिन एक रिवर है. ठीक है, पिन इज अ रिवर जिसके नाम से इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा. बेसिकली दिस नेशनल पार्क इज अलोंग द दिस रिवर, पिन रिवर, दैट इज वाई इट्स नेम इज पिन वैली नेशनल पार्क. इट इज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो इसी के साथ देख लेते हैं नेशनल पार्क की बात हो रही है तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है. ठीक है, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क और स्मॉलेस्ट है आपका साउथ बटन आइलैंड. ठीक है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क. तो ये हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका लद्दाख में है और साउथ बटन नेशनल पार्क जो है आपका वो कहाँ पे है? आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में. ठीक है, और ये खाली इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क नहीं है, ये साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. हमें बताना है, पिछले सेट में हमने देखा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स लीची मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज आई थिंक बताया था. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट क्या है. ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट जो है वो आपका है ए, दैट इज़ वेस्ट बंगाल. ठीक है, वेस्ट बंगाल जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आपको पता चल गया इंडिया में. और कर्नाटका किसका है ये भी आपको इस बार लास्ट में एग्जाम हुआ है पंचायत सेक्रेटरी का, इसमें भी ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया, सो इट इज़ कर्नाटका. ठीक है, और केरला किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? रबर का. ठीक है,
और केरला रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा रबर जो है वो केरला में होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। मणिपुर का ये किसी में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है एज सच, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। सबसे ज़्यादा क्या होता है, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, बैम्बू का, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको ये लिखना भी है, याद रखना है अच्छे से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इनमें से कौन से दिन पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इट इज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट विच इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ दिस टाइम, ठीक है। सो इज़ इट 21 मई, 27 मई, 5 जून या फिर 14th of November। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ 5th of June, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम देख लेते हैं जो 2023 में हुआ, ठीक है, 5 जून 2023 में जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ उसकी थीम क्या थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी थीम थी किसकी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की, जो 5th of June को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। पेक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, हमें बताना है, पेक्योंग एयरपोर्ट बेसिकली एक एयरपोर्ट का नाम है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट में जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। सो इज इट सिक्किम, इज इट असम, इज इट अरुणाचल प्रदेश और इज इट नागालैंड, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है, इट इज सिक्किम्स ओनली एयरपोर्ट, ठीक है। सिक्किम में इकलौता एयरपोर्ट है ये जिसका नाम है पेक्योंग एयरपोर्ट। ऑल्सो इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, हाइएस्ट एयरपोर्ट्स काफ़ी हाइट पे है, तो वन ऑफ द हाइएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, और सिक्किम का इकलौता एयरपोर्ट है ये जिसका नाम क्या है, पेक्योंग एयरपोर्ट, ठीक है। और इसमें पूरे साल भी जो है फिजिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा, अभी हमने स्टेट देखी है ना कि सबसे ज़्यादा मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में, अब हम देखेंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा मेज प्रोड्यूसिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। इज इट पुंछ, इज इट उधमपुर, इज इट रियासी या फिर इज इट किश्तवाड़। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज उधमपुर, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करेवा सॉइल्स, करेवा सॉइल्स इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग, करेवा सॉइल्स पे सबसे ज़्यादा अच्छे से सबसे ज़्यादा क्या होता है, वीट, सेफ्रॉन, राइस या फिर टी। देखो करेवा सॉइल्स थोड़ा सा स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है, करेवा सॉइल्स हमारी जो है वो मिक्सचर होती है, मिक्सचर ऑफ एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको, बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, ठीक है, बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, जैसे लोमी सॉइल, क्ले सॉइल भी हो गया वही है ना, उसके बाद सिल्ट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स का मिक्सचर है ये, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर ऑफ एलोवियल सॉइल, ठीक है। और इस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, इट इज़ बेस्ट फॉर एक्चुअली सेफ्रॉन, ऑप्शन बी सेफ्रॉन। और आपको ये भी पता होगा जो कश्मीर में सेफ्रॉन होता है, बेसिकली इसकी एक लोकल वेराइटी है, लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रॉन, उसका नाम क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं ज़फ़रान, क्या बोलते हैं, ज़फ़रान, ठीक है। सो करेवा सॉइल्स इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग ज़फ़रान, ठीक है, ओके, इसको GI टैग भी मिला है रिसेंटली, ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तता पानी अ फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हमें बताना है कि तता पानी एक फेमस वाटर हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, हमें बताना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, राजौरी में, रामबन में, पुंछ में या फिर रियासी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज राजौरी, राजौरी की एक तहसील है जिसका नाम है कालाकोट, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये माना जाता है कि इट इज़ वेरी रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अलग अलग जगह से, यहाँ पे उनकी मान्यता है कि यहाँ पे डिप लेने से, ठीक है, उनको जॉइंट पेन और स्किन एलिमेंट से काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है। जॉइंट पेन और स्किन एलिमेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज इट कंटेन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। हर वक्त जो है पूरे साल 12 महीने इसमें क्या है, ये पानी जो है यहाँ पे स्टीम निकलता रहता है। इट इज़ बेसिकली अ हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। अंडरग्राउंड है ये, मतलब नीचे से जो है वो जो है पानी है वो इतना ज़्यादा बॉयल रहता है कि इसकी हमेशा स्टीम जो है वो निकलती रहती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज लैंड ऑफ बाउलीज एंड लैंड ऑफ देविका। हमें बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो जिसको हम लैंड ऑफ बाउलीज भी बोलते हैं या फिर लैंड ऑफ देविका भी बोलते हैं, ठीक है। सो इज़ इट पुंछ, डोडा, रजौरी या फिर उधमपुर। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ उधमपुर, ठीक है। इसको बोलते हैं लैंड ऑफ बाउलीज या फिर लैंड ऑफ देविका। और उधमपुर में आपको पता ना हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न रेलवे का, नॉर्दर्न रेलवेज, ठीक है। चलो ये तो ऐसे मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो पुंछ को क्या बोलते हैं, पुंछ को बोलते हैं मिनी कश्मीर, ठीक है। पुंछ को क्या बोलते हैं, मिनी कश्मीर। डोडा को क्या बोलते हैं, बेसिकली ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो नहीं बोलते, पर इसका हम याद रख लेते हैं पुराना नाम क्या है, दीदा, ठीक है, दीदा। और रजौरी को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ किंग्स, क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ किंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से, ओके ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। पोटेंशियल मतलब, ठीक है, कि किसमें जो कौन सा रिवर है जो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है, कितना पोटेंशियल है उसका, कितने ज़्यादा मेगावाट जो है, जितना ज़्यादा मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। ये तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी रिवर है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो हमें एनर्जी जो है सप्लाई होती है। तो द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ चिनाब। तो अब ये दिया है तो हम सीक्वेंस भी देख लेते हैं, चिनाब, झेलम, इंडस और रावी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है चिनाब का, फिर रावी का, फिर झेलम का, सॉरी चिनाब का, झेलम का, फिर इंडस का, फिर रावी का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, आपको एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। और आपको यहाँ पे पता चल गया कि चिनाब ऐसा रिवर है जिसका, हमारी J&K में ऐसा रिवर है जिसका सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा मेगावाट में वो एनर्जी जो है हमें सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्म्ड फोर्स हैज़ लॉन्च मिशन रीच आउट इन जम्मू। पहले तो मिशन रीच आउट क्या है, ठीक है, फिर हमें ये तो क्वेश्चन से ही पता चल गया कि जम्मू में लॉन्च हुआ था, ठीक है। मिशन रीच आउट जो है हमें पता है, ठीक है, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था जब, आपको पता है तब सेक्शन जो है 144 इम्प्लीमेंट हो गई थी, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, ठीक है, लोगों का जो है मूवमेंट बंद कर दी गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मोबाइल कर दी गई थी, ठीक है, मतलब घर घर पहुंचाने की कोशिश थी, ठीक है। ये मिशन रीच आउट जो है वो इसलिए लॉन्च किया गया था कि उस टाइम पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके और जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनका ध्यान रखा जा सके, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 144 लगने की वजह से मूवमेंट जो थी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी आर्मी फोर्स ने मिशन रीच आउट जो है वो जम्मू में लॉन्च किया था। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ इंडियन आर्मी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ओन। हर साल नेशनल पंचायती राज डे हम सेलिब्रेट करते हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से दिन पे नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो इज़ इट 24th ऑफ अप्रैल, 24th ऑफ मई, 24th ऑफ जून या फिर 24th ऑफ
जुलाई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 24th ऑफ अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे बनाया जाता है. करेंटली इनकी मिनिस्ट्री कौन हैंडल कर रहा है उनका नाम भी देख लेते हैं, श्री गिरिराज सिंह. ठीक है, श्री गिरिराज सिंह इसको देख रहे हैं. ठीक है, उनके पास है ये मिनिस्ट्री. 24th अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. 2023 में थीम क्या थी वो देख लो, सस्टेनेबल पंचायत. सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करें कि अभी भी हमारे यूज़ में वो आ जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम उसको बचा के रख सकें. मतलब किसी का भी एक्सेसिव, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें, एक्सेसिव यूज़ ना करें. दैट इज़ सस्टेनेबल, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सस्टेनेबल. सो द थीम वॉज सस्टेनेबल पंचायत, की वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो, सस्टेनेबल तरीके से हम यूज़ करें. ठीक है, क्लीनलीनेस, हाइजीन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, आपको पता है डीलिमिटेशन कमीशन अभी अभी कुछ साल पहले जो है वो बना था. ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि बना कब था. ठीक है, तो डीलिमिटेशन कमीशन आपका बना था 2020 में. ठीक है, 2020 में आपका डीलिमिटेशन बना था. किसने बनाया था? द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इंस्टीट्यूट किसने किया था? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. और इनके हेड कौन थे? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज रंजना प्रकाश देसाई वॉज द हेड ऑफ दिस कमीशन. ठीक है, और इनकी इस कमीशन की रिपोर्ट्स क्या थी? आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई थी, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली. पहले 107 थी, अब 114 हो गई हैं, जिसमें से 6 जो हैं आपके जम्मू में मिली हैं और एक जो सीट बड़ी है वो कहाँ पे? कश्मीर में. ठीक है, इसमें से आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी 24 सीट्स जो हैं वो पीओके को एलोकेट हैं, जो अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है. ठीक है, बाकी सीट्स जो हैं 90 सीट्स बचती हैं, 90 में से 43 जम्मू के पास हैं और 47 कश्मीर के पास. ठीक है, तो दिस इज वॉज द पॉइंट्स विच इज इंक्लूडेड इन द डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट. ठीक है, सो विच वॉज एस्टैब्लिश इन 2020 एंड द हेड वॉज रंजना प्रकाश देसाई. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ज्वाहर टनल फॉल्स अंडर विच माउंटेन रेंज. हमें बताना है कि जो फेमस ज्वाहर टनल है वो कौन सी माउंटेन रेंज में जो है वो लाए करता है. ठीक है, इज इट ग्रेट हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज, पीर पंजाल रेंज या फिर काराकोरम रेंज. आपको समझ में आ ही रहा होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज पीर पंजाल रेंज. ठीक है, तो ज्वाहर टनल जो है वो आपका किसको कनेक्ट करता है? जम्मू एंड श्रीनगर को. इट इज ऑल्सो नाउन एज बनिहाल या फिर बनिहाल काजीकुंड टनल. ठीक है, बनिहाल काजीकुंड टनल भी बोलते हैं इसको. ठीक है, जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है एंड इट लाइज इन पीर पंजाल रेंज. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल. ठीक है, देखो अगर आपको ये पूछा जाता कि लॉन्गेस्ट रोड टनल, इसको भी देखते हैं, पहले आप ये देख लो, लॉन्गेस्ट रोड टनल पूछा जाता अगर, तो आपका आंसर होता, जिसको हम पहले पुराना नाम लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं चनेनी नाशरी टनल. ठीक है, चनेनी नाशरी टनल बोलते हैं. मैं नया नाम लिख रही थी पहले, जिसको रीनेम करके क्या बोला गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. ठीक है, और इसकी इसको एक नाम और से बुलाया जाता है, वो भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग टू नो. ठीक है, पत्नी टॉप टनल फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भाई हमारी जम्मू में.
ठीक है, तो पत्नी टॉप टनल भी बोलते हैं, चनेनी नाश्री टनल भी बोलते हैं, रीनेम कर दिया गया है इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, ये है लॉन्गेस्ट रोड टनल, इट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। हम अब बात कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो लॉन्गेस्ट रोड टनल है, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी अगेन, दैट इज़ पीर पंजाल टनल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो क्या है, जवाहर टनल, ठीक है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पीर पंजाल टनल, दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट समथिंग 11 point something किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नाउन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो किसी भी पीरियड को डार्केस्ट पीरियड कब बोलते हैं, ठीक है, जब उसमें डार्केस्ट पीरियड की कंडीशंस क्या है, कि तब लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो, कोई डेवलपमेंट्स ना हुई हो, ठीक है, ऐसे पीरियड को हम डार्केस्ट पीरियड बोलते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का इनमें से कौन से जो रूल था वो डार्केस्ट पीरियड बोलते हैं, सिख रूल, अफगान रूल, मुगल रूल या फिर डोगरा रूल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अफगान रूल, ठीक है। अफगान रूल को डार्केस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डेलिब्रेट कन्वर्जन्स, लोगों को ज़बरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट करवाया था इन्होंने, डेलिब्रेट कन्वर्जन्स हुए थे उस टाइम, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इनफैक्ट टेम्पल्स को जो है वो क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, डेलिब्रेट कन्वर्जन्स हुई थी और इस कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी इस, और काफ़ी जो इसके रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ क्या थे, क्रूएल थे, ठीक है, उन्होंने लोगों के साथ क्रुएलिटी से बिहेव किया, ठीक है, इस वजह से इस पीरियड को डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अफगान रूल। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन विद दिस क्वेश्चन, सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हम मिलेंगे अगले सेट में, थैंक यू सो